बाद आईआईटी आश्रम में शनिवार को पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आईएसएम 1970 बैच के एलुमनी देश विदेश से एकत्र हुए। वहीं मौके पर पूर्ववर्ती छात्रों ने बताया कि आईएसएम आने पर उनको अपनी विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा हो जाती है। आपको बता दें, बताया जाता है कि आईएसएम 1970 बैच के पास आउट छात्र आज देश विदेश के कई संस्थानों में सर्वोच्च स्थान पर है और पुष्प प्रदर्शनी के मौके पर परिवार समेत इकट्ठा हुए, जहां एक दूसरे से मिलकर अपनी पुरानी यादें को ताजा कर रहे हैं। सेवेंटी बैच के जो एलमनी हैं, जो यहां से पास आउट होकर निकले 1970 में, उनका 50वां गोल्डन जुबली हम लोग यहाँ मना रहे हैं। उस संदर्भ में हम लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं विद वाइफ के साथ। ये सौभाग्य मौका है अपने पुराने दोस्तों से मिलने का, सबसे इंटरेक्शन करने का, कॉलेज में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का। यहाँ आके हम लोग इतनी खुशी हो रही है, हम लोग एकदम यंग हो गए हैं। जैसे पहले थे 50 साल पहले, हम लोग आज वैसे ही हो गए हैं और उसी को हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। फ्लावर शो भी आज है। हाँ, आज फ्लावर शो भी है सर। हाँ, फ्लावर शो भी है। कितना सुंदर फ्लावर है हमारे ख्याल में। मैं बॉम्बे रहता हूँ, वहाँ भी हमने इतना सुंदर फ्लावर का शो नहीं देखा है जो कि यहाँ पर है। और ये हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको देख के हमेशा मन आनंदित हो जाता है। हेरिटेज बिल्डिंग में तो ये इसको आप कहीं टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। सरकार का आदेश है, इसको हमेशा ये ऐसे ही रहेगा। तो इंडिया में बहुत सी जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसमें से ये एक है। तो सर, आपके समय का आईएसएम और आज के आईआईटी आईएसएम में क्या अंतर आया सर? ऐसा था, हमारे समय थोड़ा ओपन स्पेस ज़्यादा था जी, आज के लिए कंक्रीट जंगल बन गया है। जगह जगह हॉस्टल बना दिया क्योंकि स्टूडेंट बढ़ गए हैं। हमारे सब समय से 500 स्टूडेंट हुआ करते थे पूरे कॉलेज में, अब यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट हैं। तो उनको रहने के लिए नए कॉलेज खुल के, पहले 4 फैकल्टी हुआ करती थी, माइनिंग, पेट्रोलियम, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी। अब यहाँ पर 500 और स्ट्रीम खुल गए हैं, इंजीनियरिंग के, एमबीए के खुल गए हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं। तो आपके जो उस समय के स्टूडेंट्स थे, उनमें से आज कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? सिर्फ इंडिया से या बाहर से? नहीं, बाहर से भी हैं। अमेरिका से 3 आए हुए हैं। वहाँ पर हमारे वर्ल्ड के जो पहला एसपी का चेयरमैन बना है वो हमारे बैच का गणेश ठाकुर है जी। वो जो बीच में हेड लेकर खड़ा है, वो अभी मीटिंग लेक्चर देने गया था ना जो हॉल में था, वो हमारे बैच का है। वर्ल्ड के टॉप पोजीशन में है वो इस समय। तो इस समय हमारे बैच के कई लोग बाहर भी हैं, बहुत से यहाँ भी हैं। 3 लोग बाहर से आए हैं, बाकी सब लोग कोई बॉम्बे से, दिल्ली से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से नहीं छोटे, इंक्लूडिंग लखनऊ। गुड नेम सर। आई विजय गुप्ता, अप्लाइड जियोफिजिक्स 70 बैच।